BHEL का शेयर 14% बढ़कर अपने 52 वीक हाई लेवल पर पहुंच गया। स्टॉक ने इस फाइनेंशियल ईयर में 250% तक ग्रो किया है। मायसेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विच इज ऑल्सो नोन एज भेल स्टॉक के बारे में। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आर सीरीज कॉल्ड बातें स्टॉक वाली। सो स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले। 4 मार्च की सुबह हेवी वॉल्यूम में कारोबार के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भेल के शेयर 14% से ज्यादा बढ़कर अपने 8 साल के हाई लेवल मींस 269.35 रुपीस पर पहुंच गए। स्टॉक में एक अपमूव देखा गया आफ्टर NTPC अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीस 17,195.3 करोड़ फॉर द थर्ड फेज ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए भेल वॉज द ओनली बिडर। H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में भेल की ऑर्डर बुक 1.14 लाख करोड़ रुपीज थी जबकि फर्स्ट हाफ तक ऑर्डर इनफ्लो 33,000 करोड़ रुपीज था। इसके अलावा भेल में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। लास्ट वीक कंपनी ने केमिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है एंड अंडर द जॉइंट वेंचर कंपनी ने इन हाउस डेवलप्ड प्रेशराइज्ड फ्लूटाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके 2000 TPD अमोनियम नाइट्रेट प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डिंग की बात करें तो CIL के साथ 51% एंड भेल के साथ 49% होगी। जॉइंट वेंचर को 1 लाख रुपीज की इनिशियल पेड अप शेयर कैपिटल के साथ एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। भेल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। So, if you found this information valuable, don't forget to hit the like button and subscribe Angel One for more such updates. Thanks for joining us today and we'll see you in the next episode. Until then, take care and happy investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.